नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो चैनल में। तो देखिए, जो मैंने IRDAI की सीरीज़ स्टार्ट करी है, IRDAI असिस्टेंट मैनेजर का, इसका जो प्री जो लोग दे चुके हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। मेंस का एग्ज़ाम जो नवंबर में है, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, तो मैं जो है पूरी सीरीज़ ये कंप्लीट कर दूँगा टाइम से पहले, या आपके एग्ज़ाम से पहले। और ये जो मेरा फिफ्थ लेक्चर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का, तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर आप को कोई डाउट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, आपको कि रिकमेंड करूँगा आपको ये लेक्चर्स देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि जो है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि क्या होता है इंश्योरेंस, और मतलब क्या फैक्टर्स इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेंगे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंश्योरेंस पेंट्रेशन पढ़ा था, कि इंश्योरेंस पेंट्रेशन होता क्या है और किस तरह हम इंश्योरेंस पेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या फैक्टर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए थे इंश्योरेंस पेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री जनधन कहते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी ताकि इंश्योरेंस पेंट्रेशन जो है वो बढ़ सके, क्योंकि करंट में हमारा ग्लोबल इंश्योरेंस पेंट्रेशन 6% है और हमारा जो है अभी 4% भी नहीं है, और इस बार का जो है एक्सपेक्टेड है कि 4% 2017 में चला जाए, क्योंकि अब IRDAI की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट तो नेक्स्ट ईयर ही आएगी, तभी पता चलेगा कितना है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने बात कर चुके थे हम लोग बिजनेस साइकिल की, कि बिज़नेस साइकिल क्या होती है, और बिज़नेस साइकिल किसी कंट्री के लिए और किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये एक उसकी इकोनॉमिक फैक्टर होता है, इंडिकेटर होता है किसी कंट्री के लिए, जिससे वो पता कर सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी हो किस तरीके से, उसका जो कर्व बन रहा है कि बूम में है कि डिप्रेशन में है कि या फिर रिसेशन में है। ठीक है, इस सब की बात करें तो ये जो बिज़नेस साइकिल है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के नहीं नहीं है, क्योंकि रीज़न भी बताया था मैंने, क्योंकि वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो होता है कि आपकी सप्लाई मतलब कि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये फेनोमेना जो है वहाँ पर ज़्यादा काम करता है। इंडिया जैसी जगह में क्यों नहीं काम करता, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि रोड सड़कें नहीं बनी हैं, तो जो अगर अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कमोडिटीज लेके जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो जो आपका सामान जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, आप पेरिसेबल गुड्स होते हैं, तो एक दिन अगर उनको आप रख लेंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे, तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग कर चुके थे कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट होता है, इंश्योरेंस पेंट्रेशन भी बात कर चुके थे। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने जाना था कि इंश्योरेंस पुश प्रोडक्ट होता है, ठीक, आप किसी को देते हैं, ठीक, ज़बरदस्ती देते हैं, लोग अपने मन से पुल उसे मतलब ख़रीदते नहीं। ठीक, और ये भी जान लिया था कि इंश्योरेंस पेंट्रेशन कैलकुलेट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फिर आज हम लोग बात करेंगे कि इंश्योरेंस मतलब कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को या एक कोई पर्सन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दो फैक्टर, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हम लोग बात करेंगे, एक मैक्रो इकोनॉमिक होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक होता है जो छोटे लेवल का होता है, ठीक है, जैसे कि आपका निजी ज़िंदगी, हाउस होल्ड्स की चीज़ें हो गई, या मार्क डोमेस्टिक मार्केट हो गई, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक में जो बड़ी चीज़ों का हम लोग लेते हैं, जैसे जी देश की GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जो मेन मेन मेजर समस्याएं हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस टाइप्स की जो भी चीज़ें हैं ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, ये भी आप, और देखिए होता क्या है कि दो ही चीज़ें होती हैं, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर कोई नापनी है आपको, तो वो सिर्फ दो ही चीज़ें उनके इंडिकेटर्स होते हैं, या एक इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेंट्रेशन। इंश्योरेंस पेंट्रेशन बताता है कि कितने परसेंट लोगों ने जो है आपके वो इंश्योरेंस ले रखा है, और इंश्योरेंस डेंसिटी बताता है कि कितने जो मतलब आपके पॉपुलेशन एक कंट्री में, कि कितना हर एक पर्सन जो है वो अब अपना जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में खरीदने में जो है खर्च कर रहा है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी वैसे भी जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है,
फिजिक्स के टर्म में जाने, तो ये दो फैक्टर होते हैं जिनके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LIC जो है उस पर लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है, तो LIC को अभी तक कोई पीछे नहीं कर पाया। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस में LIC का ही है, ठीक है, क्योंकि लोगों का भरोसा होता है कि LIC में मैंने पैसे लगाया था डूबेगा नहीं, और क्लेम रेशियो भी LIC का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक आउटपुट हो गया, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो, ये किस तरीके से एक इंडिविजुअल को और एक इंश्योरेंस मार्केट को अफेक्ट करते हैं। कि जैसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि लोग इंश्योरेंस लेंगे, नहीं लेंगे, तो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को होकर फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें हैं जो हैं यहाँ पे हिट करनी होती, इसीलिए मैंने इनसे बिजनेस साइकिल पहले बताई थी कि गवर्नमेंट का टारगेट ही होता है कि ये जो साइकिल आती है ना, कि एग्रीगेट जो होती है आपकी जो सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा ना होने पाए। अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो जो है लॉस में चलने लगता है, फिर वो एक साइकिल बना लेता है अपने आप और उसको फिर तोड़ना होता है हम लोगों को। क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर अगर सप्लाई आपकी जो है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियस है कि फिर जो कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी, जो हायरिंग अपनी रोक देंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा चीज़ें जो हैं कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है, तो सब चीज़ें फिर यहाँ पे सारी जो है दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि उसको आने ना दे, वो साइकिल को बनने ना दे, ठीक है, हर चीज़ों को टारगेट करके चले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं, इसीलिए बिज़नेस साइकिल की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर सेविंग्स जितनी ज़्यादा लोग की सेविंग्स होंगी वो फिर उतना ही जो है इंश्योरेंस खरीदेंगे और इंश्योरेंस मार्केट में उसका पैसा लगाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट में तो वैसे भी पैसा जो जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, 10 साल 15 साल के लिए। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको तुरंत जब मर्जी है जब निकाल सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की में आपने अगर डाला इन्वेस्ट किया तो आप 10 साल या 15 साल का जो लॉकिंग पीरियड होता है उनका, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही इंश्योरेंस कंपनी के लिए फ़ायदे चीज़ है, क्योंकि वो इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वो हम जानेंगे। जैसे कि इकोनॉमी है, GDP है आपका, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट अगर बैंक ने अगर कम रखकर रखा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है, ये आपको पता है, लोन लेंगे तो ठीक है वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तो वो इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं कि ठीक है चलो अच्छी बात है ख़रीद लेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो उसको फिर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि ठीक है कल को कुछ भी हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और डेमोग्राफी भी डिपेंड करता है कि जितने की मतलब कि एक रीजन के लोग जितना ज़्यादा यंग लोग होंगे, 30 से 35 साल के लोग अगर वो सब जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपना इंश्योरेंस लेने को, ठीक है। या जिसे होता है कि जैसे कि ओल्ड एज डिपेंडेंसी लोग, कुछ लोग लेते हैं कि चलो अपने रिटायरमेंट के लिए हमने अभी हम जब कमा रहे हैं तो हम इंश्योरेंस ले लिया और मुझे पता है कि मैं इतने साल तक जीऊंगा ही, एज ऑब्वियस सबको पता होता है, किसी को नहीं पता होता कि कल कोई मर जाएगा, तो उसने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक, अपने लिए अपने बच्चों के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है। अब डेमोग्राफी में होता है कि अगर आप अर्बन में रहते हैं तो ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, लेकिन रूरल में रहते हैं तो कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और फिर एजुकेशन भी होता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप सोचेंगे ठीक है इंश्योरेंस अच्छा है, लेकिन आप अनएजुकेटेड हैं तो आपको पता ही नहीं कि इंश्योरेंस का मायने क्या होते हैं, ठीक। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या एक इंश्योरेंस पर्सन को जो है इंश्योर्ड पर्सन उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे इनकम अगर लोग इंक्रीज़ होगी तो इंश्योरेंस पेंट्रेशन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो फिर जो है इंश्योरेंस पेंट्रेशन आपका कम होगा, या महंगाई बढ़ गई तो फिर इंश्योरेंस पेंट्रेशन कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कंज्यूमर जो है उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, मान लो उसने कोई भी चीज़ें हैं कि मतलब कि अगर उसकी पॉकेट पे इम्पैक्ट कर रहा है ना, तो फिर वो इंश्योरेंस नहीं ले, क्योंकि इंश्योरेंस उसके लिए बाय प्रोडक्ट होता है कि ठीक है चलो अच्छा मेरे पास इतनी इनकम है मेरी बच रही सेविंग तो मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, लेकिन अगर उसका घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा तो फिर वो इंश्योरेंस लेके क्या फ़ायदा उसका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी
मायने रखते हैं। दूसरा है कि अगर जो लोग जैसे कोस्टल एरियाज में रहते हैं या कोल माइन के पास काम करते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लें, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी मुझे कोई बीमारी हो सकती है, कि हेल्थ पॉलिसी ले रखी है अच्छी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हम ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि अगर अब फ्लड आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये सब चीज़ें वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंश्योरेंस लेने के। ठीक है, फिर इसके अलावा सोशल फैक्टर, जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपको पता है कि मतलब आप जो है कभी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बीमार पड़ने के लिए आपको पता है कि उस टाइम शायद मेरे पास इतना मनी नहीं होगा, तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैंने ले रखी है तो मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। तो किसी तरीके से ये भी इम्पैक्ट डाल ली इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे कि हाँ भाई, इस एरिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओल्ड एज वाले हैं तो वो इंश्योरेंस जो है लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि ठीक है कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, तो ये सोशल फैक्टर भी डिपेंड करता है। फिर गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी लाती है, जैसे कोई भी जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना या सुरक्षा बीमा योजना, तो इनसे क्या होता है कि सोशल फैक्टर जो है लोग पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, और कम इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको खरीदते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक इम्पैक्ट होता है। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं कि नेचुरल जो है कैटास्ट्रोफ, उसके लिए आप क्या करते हैं, उससे क्या होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। अगर माने अभी हम लोग देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उससे काफ़ी घाटा हुआ है, जैसे कि आपने देखा था चेन्नई फ्लड आया था, उससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को 2,500 करोड़ का घाटा हुआ। फिर साइक्लोन हुड़हुड़ और कश्मीर में भी जो फ्लड आया था उससे 5,000 करोड़ का घाटा हुआ। तो इसलिए मतलब कि इससे क्या है कि एक इंडिविजुअल को तो फ़ायदा हुआ, ठीक है उसने पॉलिसी ले रखी थी उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एज अ कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको काफ़ी घाटा हुआ। तो इसके के लिए अब क्या है कि अब जो है इंश्योरेंस कंपनी इनका प्रीमियम जो है बढ़ा देगी कि नहीं, इससे हमें काफ़ी घाटा हो रहा है और हम इसका प्रीमियम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट डालता है इस टाइप से कि इंश्योरेंस कंपनीज को तो घाटा होता है लेकिन इंश्योरेंस जो जिसने ले रखा है उसको फ़ायदा होता है। ठीक, फिर पेंडेमिक मतलब कुछ टाइप कोई महामारी आ गई तो उसके लिए क्या, हालांकि इंडिया में तो अभी तक बहुत कम ही आई है इस टाइप से कोई महामारी, लेकिन बाकी देशों में जैसे इबोला जो था वायरस वो काफ़ी आ जाता है, तो उसके लिए भी जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसे कवर देती है, तो उसमें क्या होता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है और उनके टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेल्थ ही पढ़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो इंश्योरेंस, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत आ पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस कंपनी अपना कवर देती है कि आप जो मेरे जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें जाके ये जो भी आपको बीमारी होगी उसमें आप जो चेकअप करा सकते हैं, आपने पॉलिसी ले रखी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके चेकअप करा सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग बहुत कम ही लोग लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या, और फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आजकल जो आ रही हैं उसमें पेंडेमिक जो है वो कवर नहीं करते हैं। ठीक है, वो मेजर डिजीज कवर करते हैं, ये सब पेंडेमिक डिजीज क्राइस जो डिजीज होती हैं वो कवर नहीं करते। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि उन्होंने एक पेंडेमिक इमरजेंसी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी कहा कि भाई हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इस एक फंड बना दिया है कि अगर इससे किसी भी कंट्रीज को ये दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस फंड से ही पैसा जाएगा। इसमें क्या है कि उस कंट्रीज जो भी कंट्री होगी वो एक अपना प्रीमियम देगी, ठीक, और अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पेंडेमिक हुआ, कहीं भी महामारी फैली, तो उस फंड से ही पैसा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है और इसमें मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ करी है, इससे जहाँ भी क्राइसिस होगी उन सबको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ऐसे जो है कि एक ही देश पे काफ़ी वर्ल्ड बैंक पे काफ़ी लोड आ जाता है पैसा देने के लिए। ठीक है, और आजकल एक नया टर्म चल रहा है, ठीक है, कि मतलब कि टेरर कवर जो है उसका भी नाम ज़्यादा आ रहा है कि टेरर इंश्योरेंस, क्योंकि काफ़ी इंडिया में तो चलो कम होता है टेरर अटैक, लेकिन यूरोपियन नेशंस में काफ़ी आजकल ज़्यादा टेरर अटैक होंगे, तो वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो इसके लिए भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपकी जो डेथ है वो टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान हो जाती तो उसके लिए हम आपको इंश्योरेंस कवर देते हैं। वो सिर्फ इसी टाइम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, अगर टेरर कवर है तो,
बाकी आप नेचुरल डेथ होती या कहीं आपका रोड एक्सीडेंट होता तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ी कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं एक इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा तो होता है और घाटा भी होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक पर्सन को तो एज अ उसको तो फ़ायदा भी हो रहा घाटा भी हो रहा, तो उसको भी दोनों चीज़ें हैं होती। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप ताकि जो है मैं और वीडियो आपके सामने ला सकूँ और अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, मुझे मुझे ऑफिस भी देखना होता है और वीडियो भी बनाना होता है और काफ़ी चीज़ें रिसर्च करके करनी होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि मैंने जो कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा करूँगा। ठीक है, मैं कोई भी बीच में चीज़ नहीं छोड़ूंगा, पूरी कंप्लीट कोर्स करा के ही मैं जो है इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगा। ठीक है, ताकि जो आगे वाले जो लोग हैं ना, अगर इन केस फ्यूचर में कभी इसका एग्ज़ाम है तो लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें, उनके पास मटेरियल होने चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।